राजधानी रायपुर में पुलिस द्वारा अवैध शराब बेचने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बीते 15 दिनों में अलग अलग थाना क्षेत्रों के 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से 100 लीटर से भी ज्यादा शराब जब्त की है। खरोरा विधानसभा और धरसीवा थाना पुलिस ने 15 दिनों में अवैध शराब बेचने वाले 41 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इन क्षेत्रों में लगातार अवैध शराब बिक्री होने की सूचनाएं मिल रही थी, जिसके बाद सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कई इलाकों पर रेड मारी। 15 दिनों तक लगातार रेड कार्रवाई में थाना विधानसभा में 6 मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर 16 लीटर शराब, थाना धरसीवा में 17 मामलों में 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर 36 लीटर शराब और थाना खरोरा में 16 मामलों में 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर 54 लीटर शराब जब्त की गई। इन आरोपियों के विरुद्ध पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। इसी प्रकार आरंग पुलिस को सूचना मिली कि दो पहिया गाड़ी में 2 लोग अवैध शराब लेकर रायपुर की ओर से आ रहे हैं। पुलिस ने महासमुंद तरीहा के पास संतोष यादव और युवराज रात्रे से 10,500 कीमत की 96 पौवा देशी शराब जब्त की। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।